बहुत बड़े गोदी मीडिया हो आप लोग। जनता से पूछिए कि एबीएम से चुनाव चाहिए कि बैलेट पेपर से चाहिए। कैसे बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? भारतीय चोर पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, ये मैं चैलेंज करता हूँ। भारतीय चोर पार्टी अब सत्ता में नहीं आएगी, सत्ता से बाहर जाएगी। हमारे देश की विडंबना है कि लोहे की ट्रेन हटा करके प्लास्टिक की ट्रेन चला दिया गया। वंदे भारत तो तरक्की कर रहा है ना भारत? तरक्की नहीं कर रहा है, इसमें जितने बैठेंगे ट्रेन में सब मर जाएंगे। इधर लोहे की ट्रेन थी, पांच पांच आठ आठ बार लड़ी, जब से मोदी जी बैठे हैं कुछ लोग बच गए। अब प्लास्टिक की ट्रेन में किसी को बचाना नहीं है, इसको लिख करके आप रख लीजिए। और ये पूरा जो है प्लास्टिक का कर देंगे, क्योंकि अडानी अंबानी लूट लो, कभी अडानी अंबानी बनाया था कोई ट्रेन, हवाई जहाज बनाया था जो आज उनको दिया गया है बनाने के लिए? अरे तो होता जो संविधान और लोकतंत्र दोनों खत्म कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर भारत के आप नागरिक हो तो थोड़ा आत्मा अपनी जगाइए, क्योंकि ये गोदी मीडिया को मैं हमेशा समझाता हूँ कि अपनी आत्मा जगाइए। कौन है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया आप हो। अच्छा, और क्या, बहुत बड़े गोदी मीडिया हो आप लोग। मतलब हमने आपको अपना मंच दिया तो हमें इसी तरह अंजना ओम कश्यप और सुधीर जैसे पत्रकारों से आप बात कर लेंगे? अरे वो तो मोटा माल ले रहे हैं, तुमको छोटा माल मिल रहा है भारतीय चोर पार्टी से। मीडिया को सर्वे कराइए। हाँ बताएं, जनता से पूछिए कि एबीएम से चुनाव चाहिए कि बैलेट पेपर से चाहिए। एबीएम हटाओ देश बचाओ, जनता से ये सर्वे कराइए कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर से। आप लोग के दूध पानी का पानी। यही ईवीएम जो है, एक मिनट छोड़िए, यही ईवीएम जिस ईवीएम की बात कर रहे हैं, इसी ईवीएम से कर्नाटक में चुनाव हुआ। मोदी की बहुत चाल है। नहीं, कर्नाटक में कौन सी मशीन से? हमें उससे सेटिस्फाइड नहीं, हमारे जनता का पैसा लग रही है। जो ईवीएम बनाने वाली वो कबाड़ी हो, उसको कबाड़ फेंक दो। हम लोग, हमारी जनता बैलेट पेपर से चुनाव मांगती है भैया। ईवीएम से हमें नहीं चाहिए, हमें जनता का पैसा बर्बाद नहीं करना गरीब मजदूर का भाई। जब एक पर्ची नॉर्मल से पांच पैसा के पर्ची पे हमारे जनता का पैसा वोट पड़ सकता, हमें क्या जरूरत है इतनी महंगी मशीन बनाने के लिए भाई? क्या जरूरत है हमारे जनता का पैसा? ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम में सबसे ज्यादा फ्रॉड है, ईवीएम नहीं चाहिए। और मैं आपको सेटिस्फाइड कर देता, कर्नाटक जीते तब नहीं था? ईवीएम नहीं चाहिए, ये ईवीएम हमें नहीं, राजस्थान नहीं चाहिए। मैं आपको सेटिस्फाइड कर, क्या कह रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी का वो छोटी मछली राज दे देती है, मुद्दा अपने पास रखती है। जो प्रधानमंत्री चाहता कि छोटी मछली अपने हाथ में ले लो, बड़ी मछली हमें चाहिए। ये क्या कह रहे हो बताओ भाई? दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, क्या नाम, राजस्थान जीते, तब ईवीएम की गड़बड़ी नहीं थी? गड़बड़ी है भाई, ये बात नहीं, गड़बड़ी है भाई। आने वाले समय में हारने की पूरी तस्वीर दे पा रहा है। ये बात देखिए, मुद्दा यही है जो मैंने कहा, यही तमाम लोगों का है। जब आप कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, राजस्थान जीत जाते हैं, तब ईवीएम सही होता है। जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम गड़बड़। जनता समझ चुकी है कि ये छोटी मछली एक दो राज आपको हाथ में दे देगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप लोग एक दो राज दे देगा, इसके बाद बड़ी राज जो ऑर्डर देने वाला देश के प्रधानमंत्री वाला उसमें होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीट के अलावा निकाल ले तो दूध के दूध पानी का पानी, जो कहना मुझे कर देना। स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब ने ये लिखा था कि पढ़ो लिखो, डीएम बनो, एमपी बनो, शिक्षित रहो, सुरक्षित रहो, संघर्ष करो, अपना अधिकार पहचानो, दूसरे की मदद करो। अनुसूचित वर्ग लोगों से ये पूछो कि इतने इतने बड़े बड़े मतलब जो है नेता हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या वो कभी शिक्षा के तरफ चले या शिक्षा के भाव के तरफ चले? यही बहन जी तीन तीन बार एक दलित की बेटी अपना को एक मिनट दलित की बेटी बनती थी और मतलब जो है दलितों की बात करती थी। और माननीय स्वर्गीय माननीय काशीराम जी ने जो मोमेंट चलाया और जो है बाबा साहब ने बनाया संविधान, और उसको बहन जी ने से गदरिया पर एक मिनट मार दिया, सहयोग जी हो, जैसे बहन जी ने जो है गदरिया पर धर के कूड़ा उड़वाया, ऐसे उड़वा दिया। आज की डेट में ये जो कहा जाता है पिछड़ों की, अनुसूचित वर्ग के लोगों की बात, तो ये दिमाग से, ये पिछड़े नहीं, दिमाग से भी पिछड़े हैं। एक मिनट मुसलमान तुम लोग जी रहे हो ना, तो बहन जी का कैसे बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? एक मिनट बात करो, बात
बात बात बात सुन लीजिए, एक मिनट बात कर लीजिए, एक मिनट जी रहे हो, एक मिनट बात कर लीजिए, अरे बात सुनो, एक मिनट एक मिनट बात सुनो, एक 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 मिनट बात सुनो, अरे राहुल जी बोल रहे हो, ए ए एक मिनट बात, अरे कोई बोल रहा है, एक एक देखिए भाई, एक एक लोग अपने, मैंने इनको मौका दिया, अब इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपका भी ना, इनके बोल आप बोलेंगे, हां इनके बाद आप बोलिएगा, जवाब दीजिए, एक मिनट, अच्छा दूसरी बात, ये कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, हां एक मिनट बस, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये कौन कुर्ता पीछे पकड़ा है, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो केवल ओबीसी एससी की बदौलत से चल रही है। ये जो गठबंधन नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठगबंधन हो रहा है। ये ठगबंधन इसलिए हो रहा है कि 20% मुसलमान, क्या नाम है आपका, सराफत अली, 20% मुसलमान मजबूर कमजोर लाचार होके हमको मिलेगा। तो आज ये बताइए, अगर विपक्ष इतना मजबूत है और ये विपक्ष के लोग इतने अच्छे हैं तो उनको रोड पे उतरना चाहिए, डीएम का बंगला करना चाहिए, विधानसभा करना चाहिए, जनता की लड़ाई रोड पे लड़ना चाहिए। जो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर तो जो लोग धरना करेंगे, जो धरना रेल रोकेंगे, देखा नहीं जब अग्निवीर योजना आई, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे आर्मी की और वो लोगों ने ट्रेन रोकी और धरना दिया, उनके घर भी बुलडोजर चला। एक मिनट, अब हम आपको बता दें, यही किसान बिल लोकसभा में पारित हुआ था और पश्चिम के किसानों ने 11 महीना कुछ दिन धरना पर बैठ के और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर वो बिल वापस लेना पड़ा। तो जब जब क्रांति आती है तब तब इतिहास बदलता है, क्रांति कौन करेगा, जो एक मिनट जो अधिक से ज्यादा आय संपत्ति में लोग डूबे हैं वो सीबीआई को डर रहे हैं, वो रोड पर क्या निकलेंगे। 2024 में क्या होना, परिवर्तन होगा नहीं, ये जनता जो है राजा बनाती है, जनता ही बंदर बनाती है। तो जनता से ही पूछ रहे हैं यार, जनता क्या करते? हमको जनता पर भरोसा, हमको अपने वोट का भरोसा, एक मिनट अपनी बताइए, आप अपनी बताओ, हमको अपने वोट का भरोसा है, बीबी की वोट का भरोसा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, तो बताइए क्या दिख रहा है, परिवर्तन देख लीजिए, इस बार परिवर्तन होगा, परिवर्तन जनता करेगी, हमारी करने की औकात नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आप बात कर रहे हैं और लोगों को भी मौका दीजिए, नहीं नहीं ये देखिए ये कोई यो नहीं, हाँ बताइए, मायावती जी की बात कर रहे दलितों की, अभी राहुल गांधी जी शॉर्ट में कहिए, शॉर्ट हाँ शॉर्ट में बोलूंगा, राहुल गांधी जी भारत में बोलते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका में बोलते हैं कि पिछड़ों की जाति गणना कराओ, बीजेपी क्यों नहीं कराती है, पिछड़ों दलितों मुसलमानों की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी उनको संसद निकलवाती है साजिश की तरह, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था संसद में जाते हैं। राहुल गांधी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की 70 साल सरकार रही, उन्हीं की कास्ट सेशन जो हुआ था उन्हीं की सरकार में हुआ था, क्यों नहीं उजागर हुआ, 2011 में किसकी सरकार थी, हमारी सरकार जब थी 2014 तक थी, जब ये जाति गणना का सेशन पूरा 2015 में पूरा हुआ, मंत्री उस समय के राजनाथ सिंह का संसद में बयान है कि हमारी सरकार 2019 में बनेंगे तो हम जाति गणना का डाटा जारी करेंगे, लेकिन मोदी जानते हैं जिस दिन विश्व को पता चल गया कि 15% वाले 85% खा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में है, भाषण नहीं, चार राज्यों में, कहां नहीं नहीं कहां, अरे ओबीसी नहीं, कहां कहां जातिवार जनगणना शुरू है बताइए, नहीं हो रही है बिहार में, ये नीतीश और आरजेडी की, हाँ हम लोग सरकार में, राजस्थान में हो रही है, अभी होगी छत्तीसगढ़ में होगी, कब होगी, 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, अरे भैया होगी, अभी इंतजार, 5 साल बीत गया अब तक नहीं हुई, अभी तो बिहार में रुकवा दिया ना साजिश के तरह, अभी आदेश मिला, फिर से आदेश हो गया, और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, एक कांग्रेस को दुष्प्रचार करते हैं कि ओबीसी विरोधी है, मैं बताना चाहता हूँ हमारी प्योर 4,000 सरकार है, इसमें 3 ओबीसी मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कोनवी बिदारी से आते हैं, 70 साल पूरा राजे रहा है उसमें क्या, हाँ जी।